पास अपने ऊपर किया है। ये देख रहे हैं आप, नेल्स मैंने किया है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये जो हाय अर्चना जी, कहाँ भैया, कहाँ भैया, पूरा बिकॉज में चिल्लाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। अरे आपको तो पब्लिक कितना डिमांड किया, क्या चाहिए, कहाँ भैया, कहाँ भैया, बहुत अच्छा, हम तो बहुत इंजॉय किया, कहाँ भैया, अरे पब्लिक को तो जैसा चालू हो जाता है, बहुत बहुत मैं तो बहुत ही बहुत अच्छा ना। आपका स्टेप कर लेते ना एक बार, वो फूल वाला करिए ना दोनों लोग, हाँ जो भी है, अरे फिर से कर लेते, एक बार कर लो ना इनके साथ, आपके फैन है, आपने प्यार का ना कहा भैया, तो मंजे पूरा बिग बॉस देखता हूँ मैं स्टार्टिंग से, मैं बहुत इंजॉय किया आपको, बहुत हाँ कितना आपको लास्ट में तो बिग बॉस में कितना ये क्या है। अर्चना अर्चना जी, अभी आप नेल आर्ट्स में आए हो, अभी आपका बस खत्म हुआ है, क्या कुछ कहना चाहोगे, आप क्या तैयारी है बिग बॉस से निकल के, अभी आप नेल आर्ट्स में आए हो, क्या कुछ तैयारी कर रहे हो नेल साहब के, मैंने किया है, ये देख रहे हैं आप, नेल्स मैंने किया है और बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैंने नेल स्टूडियो में मैंने किया है, ये रोकने वाला मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग आए। अर्चना जी, जो मैं आपको आज देख रहा हूँ, काफ़ी चुलबुली और शरारती सी लड़की, और उसके बाद में जो आप बिग बॉस में दिखी, जो आप बिग बॉस में दिखे, तो असली अर्चना कौन है जिसको मैं आज देख रहा हूँ, जिसको मैंने बिग बॉस में देखा, दोनों ही सेम है, ऐसी जी ऐसी भी, यहाँ भी मैं ऐसी, अंदर न्यूज़ चैनल से, ये जो गुस्सा मेरा कंट्रोल हो गया, ये जो गुस्सा है आपने पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा किया है, आपने लेजिस्लेटिव असेंबली से आपने चुनाव लड़ा था, तो ये कहाँ से आया, आपको कैसे मिला ये? कोई दिखा देता, कोई अंदर रखता है ना, ये मैंने दिखा दिया तो इसलिए मैं पूरी बन गई है ना, मैंने गुस्सा दिखा दिया तो मैं पूरी बन गई, तो बट जो है तो है, मैंने पहले बोल दिया भाई गुस्सा है, ऐसा नहीं है, मैं उसको कंट्रोल नहीं करती, मैंने किया, बट मुझे भी बाद में पता चला कि जो मैंने गुस्सा किया उसमें भी लोग हंसे, मतलब तो मुझे बड़ा मजा आया कि चलो जो भी है। अच्छा, जो नॉर्मल लाइफ है बाहर की और बिग बॉस के अंदर की, उसके बारे में कुछ शेयर करिए एक्सपीरियंस। देखो बिग बॉस में एक बंद कमरा था, बंद रूम था, तो वहाँ पे कुछ 16 लोगों के साथ बात करनी पड़ती थी, यहाँ पे बहुत लोग अलग से हैं, बहुत लोग इधर से हैं उधर से हैं, तो सब लोगों से बात करनी होती है, तो इस वजह से सब लोग अलग अलग, मतलब मज़ा आ रहा है, सब लोग प्यार कर रहे हैं। बिग बॉस से बाहर आने के बाद फैंस का प्यार देख करके आपको क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा बस कि मतलब मैं कहाँ आ गई, मतलब मेरी जिंदगी चेंज हो गई, ऐसा लग रहा है। अच्छा, बिग बॉस से बाहर आने के बाद अब जनता आपको और वापस कहाँ देख सकती है आने वाले कुछ? पता नहीं, देखते हैं कि क्या क्या सोचा है चैनल ने, क्या सोचा है एंडेमोल ने, क्या सोचा है डायरेक्टर्स ने, क्या सोचा है और भी प्रोडक्शन हाउस ने, देखते हैं क्या मिलता है। अभी आपका क्या प्लान है? मेरा भी प्लान तो कुछ नहीं है, अभी तो फिलहाल मैं कल जा रही हूँ, मेरा भी अपने क्षेत्र में, वहाँ देखते हैं क्या भोकाल आता है। तो बस वही, अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों को इनफैक्ट पहले मैं जब गई थी तो मुझे लगता था मेरा क्षेत्र है, पर अब मैं जब बाहर निकली तो अब मेरा पूरा भारत है, तो मैं क्षेत्र को नहीं, अब पूरे भारत को बोलना चाहती हूँ, लव यू सो मच, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, इसी तरह से देते रहना और मैं भी आपको इसी तरह से प्यार करती रहूँगी। थैंक यू, थैंक यू।